नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आप सभी व्यूअर्स को मेरी क्रिसमस। आइए जानते हैं क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री के महत्व को। क्रिसमस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में सबसे अहम क्रिसमस ट्री होता है। ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री की सजावट इसीलिए की जाती है ताकि साल भर इस क्रिसमस ट्री की तरह आपके जीवन में जगमगाहट बनी रहे। ज्ञात हो, क्रिसमस आने से एक सप्ताह पहले ही इस क्रिसमस ट्री को कलरफुल बल्ब, सांता के गिफ्ट्स, चॉकलेट आदि से सजाने का काम शुरू कर दिया जाता है। लोगों का यह मानना है कि क्रिसमस ट्री से खुशियां आती है, इसलिए इसे घर में ही लगाया और सजाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में हुए बदलाव। बिहार में इन दिनों ठंड के बढ़ने से आंगनबाड़ी केंद्रों में अपने संचालन के समय में बदलाव किया है। जिस संदर्भ में ICDS के निदेशक ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उनका कहना है कि मौसम में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए 24 दिसंबर से अगले आदेश तक छात्रों के आने जाने का समय 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जारी किए गए आदेश तक 3 से 6 साल तक के छात्रों को गर्म खाना भी परोसने का निर्देश सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को दे दिया गया है। अब जापान और कनाडा की ट्रेनों पर भी देखने को मिलेगा मिथिला पेंटिंग्स। समूचे देश के बाद अब यूनाइटेड नेशंस को बिहार की मधुबनी पेंटिंग से कुछ खासा लगाव होता नजर आ रहा है। पूर्व मध्य रेल की तरफ से मधुबनी स्टेशन और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को मिथिला पेंटिंग से सजाए जाने के बाद इस पेंटिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग पहचान बनाने का मौका मिला है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के भारतीय कार्यालय ने सरकार के इस पहल की सराहना की है। साथ ही साथ जापान और कनाडा जैसे देशों ने तो मिथिला पेंटिंग से अपने ट्रेनों को सजाने की कवायद भी शुरू कर दी है। अब गंडकी नदी पर बनेगा पक्का पुल। बिहार के सारण जिले में सारण और महाराजगंज को जोड़ने वाली मोथाहा गंडकी नदी पर बने चचरी पुल की जगह ग्रामीणों ने पक्का पुल बनाने का कवायद तेज कर दिया है, क्योंकि बार बार प्रशासन को पुल की स्थिति से अवगत कराने के बावजूद पुल को ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिसके पश्चात गांव में बसने वाले ग्रामीणों ने आपसी सहमति से इस पुल को दुरुस्त करने का दारोमदार अपने हाथों में ले लिया है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे ईशान किशन की। ईशान किशन भारतीय टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ईशान का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 18 जुलाई 1998 में हुआ था। ईशान ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत झारखंड से की थी और अभी भी घरेलू टूर्नामेंट में झारखंड की ओर से ही वो खेलते हैं। साल 2015 में ईशान अंडर-19 वर्ल्ड कप के कप्तान बनाए गए थे। हालांकि 2016 में हुए मैच में भारत को वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ईशान एक शानदार बल्लेबाज के साथ साथ एक बेहतरीन विकेटकीपर भी है। अगर हम ईशान के क्रिकेट करियर की बात करें तो ईशान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 39 मैच खेले हैं, जिसमें कुल मिलाकर 2536 रन बनाए हैं। वहीं लिस्ट ए यानी घरेलू मैचों में ईशान ने 45 मैचों में 1650 रन बनाए हैं। सभी किसानों ने अनुदान राशि लेने से किया इनकार, अब कर रहे हैं ये मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सभी किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अहम मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार जो हमें हमारे खराब हुई फसलों की अनुदान राशि दे रही है, वो हमें नहीं चाहिए। सरकार हम सभी किसानों को बस नील गाय से छुटकारा दिला दे। नील गाय की वजह से इस क्षेत्र के सभी किसानों ने मक्के की खेती करना छोड़ दिया है, क्योंकि हम पेड़ लगाते हैं और नील गाय उसको बर्बाद कर देते हैं। ज्ञात हो, किसानों ने सरकार से उक्त मांगे सरैया प्रखंड के मनिकपुर पंचायत में आयोजित की गई चौपाल के दौरान कही है। पटना से राजगीर के लिए अब चलाई जाएंगी 25 बसें। पटना से राजगीर जाने वाले सभी लोगों के लिए अहम सूचना। गुरु गोविंद सिंह के 353वीं प्रकाश पर्व पर राजगीर में आयोजित की गई कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से राजगीर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अब पटना से राजगीर जाने वालों के लिए 25 बसों की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। 26 दिसंबर से ये सारे बसें श्रद्धालु को मुफ्त में राजगीर तक पहुंचाने और लाने का काम करेगी, जिसकी जानकारी आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कंगन घाट के निरीक्षण के बाद आयोजित की गई समीक्षा बैठक के दौरान दिया है। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के पदों पर निकाली गई रिक्तियां। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के पदों पर निकाली गई रिक्तियां बिहार के आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। वहीं सेविका पद के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य होगा। इन पदों के लिए अगर हम आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ICDSBIH.gov.in पर जाकर 6 जनवरी तक आवेदन भर सकते हैं। उत्पाद निरीक्षण पद पर हुआ मनीषा का चयन। बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायगंज प्रखंड के हरपुर बरहेता की रहने वाली मनीषा कुमारी का चयन उत्पाद निरीक्षण यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर के पद के लिए किया गया है, जिसके बाद से समूचे समस्तीपुर जिले के सराय रंजन प्रखंड में खुशी की लहर दौड़ रही है। आपको बता दें, इससे पहले मनीषा का चयन साल 2013 में बिहार की पुलिस में भी हुआ था।
मुख्यमंत्री के आगमन से गढ़वा गांव का बदल गया कायाकल्प। बिहार के शिवहर जिले के गढ़वा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत पहुंचे थे, जहां पहुंचते ही उन्होंने समूचे गांव की कायाकल्प ही पलट कर रख दी। मात्र 15 दिनों में इस गांव को शहर की भांति ही सजा दिया गया। साथ ही साथ गांव के बीचों बीच बने पोखर के जीर्णोद्धार से समूचे गांववासी बेहद ही खुश और संतुष्ट हैं। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अशोक धाम मंदिर को महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बनने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बात 7 अप्रैल 1977 की है। अशोक नाम का चरवाहा प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाया करता था। एक दिन गिल्ली डंडा खेलने के क्रम में उसने एक विशाल शिवलिंग को धरती के अंदर पड़ा देखा। उसने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जरा भी नहीं हिला पाया। इसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तभी से इस मंदिर का नाम अशोक धाम मंदिर पड़ गया। 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। इस मंदिर में शिवरात्रि और सावन के महीने में श्रद्धालु भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ यह मंदिर मुंडन संस्कार के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। झारखंड में भाजपा की हार पर हम प्रमुख ने कसा तंज। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले हार के बाद तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए यह कहा है कि अभी भी काफी समय है, आप संभल जाइए। अगर आपके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया तो एक एक करके सभी राज्यों की जनता आपको इसी तरीके से नकारती रहेगी। उक्त बातें जीतन राम मांझी ने मीडिया को दिए अपने एक साक्षात्कार के दौरान कहा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के झूठ को अब जनता भली भांति समझ चुकी है। दरोगा बहाली परीक्षा के दौरान छात्र के विरोध पर बीपीएसएससी ने जांच के दिए आदेश। कुछ ही दिनों पूर्व दरोगा बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां पर परीक्षा के दौरान क्वेश्चन पेपर आउट होने की बात उठी थी, जिसके पश्चात कई छात्रों ने इस बात का विरोध किया। लेकिन समय रहते ही छात्रों पर नियंत्रण पा लिया गया था और परीक्षा किसी तरह सफलतापूर्वक संपन्न भी हो गई थी। लेकिन अब बीपीएसएससी इस बात की तह तक जाना चाहती है, जिसके लिए उसने सख्त आदेश देते हुए परीक्षा केंद्रों की जाँच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश के बाद अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एनआरसी को नकारा। देश भर में जारी कैब और एनआरसी का मुद्दा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सभी राजनीतिक दल एनआरसी और कैब को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। यहां तक कि एनडीए में भी इस मुद्दे को लेकर सभी दलों के विपरीत विचारधारा बनी हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, जिसके पश्चात अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नीतीश कुमार के सुर से सुर मिला लिया है और एनआरसी को लागू करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। हालांकि अगर खबरों की माने तो जगनमोहन को मनाने का श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। ठंड के कारण देर रात और सुबह में कोहरे की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन के समय में बड़ा असर पड़ा है। कोहरे के कारण राजधानी समेत 100 से ज्यादा ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट पहुंच रही है। कोहरे के कारण ये सभी ट्रेनें लगभग 6-6 घंटे देरी से पहुंच रही है। यहां तक कि कोहरे को देखते हुए रेलवे विभाग ने 24 दिसंबर तक कई ट्रेनों के परिचालन को भी रद्द कर दिया है, जिसकी संख्या लगभग 65 है। जीएसटी संबंधित समस्याओं के लिए बनाई जाएगी अलग कमेटी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जीएसटी मंत्री समूह की 13वीं बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है, जिनमें से एक है जीएसटी से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के विषय पर। मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जीएसटी से जुड़ी सभी तरह की शिकायतों का समाधान निकालने के लिए ठोस नीति तैयार की जा रही है, जिसके तहत अब बिहार राज्य में एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार के पदाधिकारी के साथ साथ उद्योग व्यापार के सलाहकारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 1 अप्रैल से मिलने लगेगा BS6 मानक का पेट्रोल और डीजल। बिहार में जल्द ही BS6 मानक वाले ईंधन मिलने लगेंगे, जिसकी जानकारी CJM आरके सिंह ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान दी थी। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार बिहार में कई बाइक कंपनियों BS6 मानक वाहनों को उतारने की तैयारी में जुटी हुई है, तो ऐसे में कई वाहन कंपनियां भी हैं जिन्होंने BS6 वर्जन की गाड़ियों को पहले ही लॉन्च कर दिया है। इसी क्रम में अब पेट्रोलियम कंपनी भी BS6 मानक के अनुरूप चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। बिहार अंडर 19 में बिहार ने गोवा को हराया। बिहार के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित बिहार अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने अपने नाम एक और जीत दर्ज कर ली है, जिसके तहत अब बिहार ने गोवा को एक पारी और 204 रनों से पराजित किया है, जिसके पश्चात अब बिहार को इस टूर्नामेंट में 7 अंक और मिल गए हैं। आपको बता दें, गोवा ने पहली पारी में मात्र 80 रन बनाए थे, जबकि बिहार ने पहली पारी में 8 विकेट पर 439 रन बनाकर अपनी जीत सुनिश्चित की। राजद ने एक बार फिर जदयू को लिया आड़े हाथ। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद राजद के नेताओं का हौसला और ज्यादा मजबूत हो गया है, जिसका सीधा असर अब बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलने लगा है। इसका अंदाजा नेता प्रतिपक्ष तेज प्रताप यादव के ट्वीट से ही लगाया जा सकता है। ज्ञात हो, तेज प्रताप यादव ने झारखंड चुनाव के नतीजों के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए यह ट्वीट किया है कि लिख कर रख लीजिए, जो हाल झारखंड में रघुबर दास का हुआ है, वही हाल 2020 में नीतीश कुमार का होने वाला है।
लालू यादव ने हेमंत सोरेन को उनकी जीत के लिए दी बधाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली जीत के पश्चात पूरे महागठबंधन दल में खुशी की लहर दौड़ रही है। यहां तक कि झारखंड में इस जीत का श्रेय कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भी खुद अपने ट्विटर हैंडल से हेमंत सोरेन को उनकी इस नई जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ 65 से ज्यादा सीटों का दावा करने वाली भाजपा पर तंज भी कसा है। मुख्यमंत्री ने किया मुजफ्फरपुर का दौरा। जल जीवन हरियाली यात्रा के अपने आखिरी चरण के दौरे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पानापुर हवेली का जायजा लिया, साथ ही साथ एईएस प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका की ग्राम वाणी प्रणाली और कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। ज्ञात हो सभी कार्यक्रम को खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांटी के स्मारणालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारत को हुआ एक अंक का नुकसान। आईसीसी ने टीमों की वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। भारत वेस्टइंडीज एक दिवसीय सीरीज की समाप्ति के बाद जारी इस रैंकिंग में वेस्टइंडीज से एक दिवसीय सीरीज जीतने के बाद भी भारत को एक अंक का नुकसान हुआ है। सीरीज शुरू होने से पहले भारत एक वनडे रैंकिंग में 122 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था, जबकि सीरीज खत्म होने के बाद भारत के 121 अंक रह गए। हालांकि अभी भी भारत दूसरे स्थान पर भी मौजूद है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में 125 अंकों के साथ इंग्लैंड पहले स्थान पर, 112 के साथ न्यूजीलैंड तीसरे और 111 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर मौजूद है। आयुष्मान खुराना विकी कौशल को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राजधानी दिल्ली में आयोजित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कई सितारों को नवाजा गया, जिनमें आयुष्मान खुराना का नाम सबसे पहले, जिन्हें उनकी फिल्म में बेहतरीन किरदार निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं उरी फिल्म में विकी कौशल के शानदार अभिनय के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं बिहार की प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पानी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड के इस मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ विभाग के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो वहीं बादलों का आना जाना लगा रहेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो कुछ जगहों पर हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 36,040 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,820 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.3 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.7 रुपए प्रति लीटर था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भाजपा की झारखंड में इस हार के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।